जो यहाँ चोरियाँ, नशा और जो भी लड़ाई झगड़ा होता है उसकी एक कंप्लेंट जो है वो गांधीनगर थाने में दे के आए थे। रात के टाइम मुझे यहाँ पे लोगों के द्वारा पता चला कि यहाँ पे जो है बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया और कम से कम भी यहाँ पे 50 से 100 लड़के थे। वो बैक साइड से आते हैं और बैक साइड से एकदम जो भी झगड़ा करते हैं और वहीं से भाग जाते हैं। यमुनानगर के स्वर्ण जयंती पार्क तो गुंडागर्दी दी तस्वीर सामने आई ने। पार्क च कुछ नौजवान शरेआम लड़ते देखे जा सकते हैं। इन्हां दी लड़ाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। स्थानक लोगों का कहना है कि इस तरह के झगड़े रोजाना ही हो रहे हैं, जिस नाल स्थानक लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहना है कि इस मामले की शिकायत थाने विच भी दी गई है, तो पुलिस वालों कार्रवाई करने भी कहा गया है। सोसाइटी की मीटिंग थी तो उसमें हमने ये कहा था कि हम जो है यहीं से मीटिंग समाप्त करके जो है गांधीनगर थाने में जाएंगे, और हम वहाँ गए भी। और वहाँ जाके हमने जो है इस मतलब हमने जो यहाँ चोरियाँ, नशा और जो भी लड़ाई झगड़ा होता है उसकी एक कंप्लेंट जो है वो गांधीनगर थाने में दे के आए थे। उसमें जो वहाँ पे जिन्होंने हमारी कंप्लेंट ली थी उन्होंने कहा था कि आप जो है आप हमें हमने हमें बता देना, फ़ोन कर देना। पर हमने उन्हें ऑलरेडी जो है एक वीडियो पहले भी दी थी जो हमारा यहाँ से पोस्टर फाड़ा गया था। तो ये रात का टाइम था, रात के टाइम मुझे यहाँ पे लोगों के द्वारा पता चला कि यहाँ पे जो है बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया और कम से कम भी यहाँ पे 50 से 100 लड़के थे जो रात के टाइम। और ये जो है ये एक दिन का काम नहीं है, यहाँ पे जो है ये रोज़ कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई ऐसा काम होता रहता है। इसके लिए हमने पुलिस प्रशासन को जो है एक रिटर्न में शिकायत दे दी है, और इवन तक की जो पहले चोरियाँ हुई थी उसमें नगर निगम द्वारा भी इसकी FIR करवाई गई थी। क्या लग रहा है किस तरह के लड़के हैं, क्या क्यों ये झगड़ते हैं आकर के? सर इसमें ना ये यहाँ पे जो जो ये काम हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि बैक साइड में ना एक गेट है। वो बैक साइड से आते हैं और बैक साइड से एकदम जो भी झगड़ा करते हैं और वहीं से भाग जाते हैं। तो यहाँ पे जो नशा है, जुआ है, ये चलता रहता है। ये जो है मेरे हिसाब से ये भी वजह है कि हाँ भी इस वजह से भी यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। यमुनानगर तो पत्रकार प्रभजीत सिंह लक्की की रिपोर्ट।